हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी ट्राइब्स से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट है, जनजाति से रिलेटेड दोस्तों, वो हम आपको 10 मिनट के वीडियो में बताने वाले हैं। इस पेज को, एक ही पेज का PDF है, उसको रट्टा मार लीजिएगा जैसे जैसे करके, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिनिमम 2 सवाल बता रहे हैं, यहाँ से आना ही आना है आपको, ठीक है। ट्राइब्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट वो बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और भाषा देख लेंगे, लिपि, प्रमुख देवता, बदोमूल को क्या बोलते हैं, युवा गृह को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में एक ही वीडियो में देखेंगे, एक पेज में उसको रट्टा मार लेना है आपको। 2 से 3 सवाल कन्फर्म आपको JSSC CGL तो आने ही आने हैं, और भी कोई एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ क्वेश्चन बनना ही बनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टार इसको बोल सकते हैं, इसको टॉपिक। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किएंगे तो, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा। और जो करंट अफेयर झारखंड का करंट अफेयर दिए हैं, कल अक्टूबर मैंने करवा दिए, ठीक है। तो 2021 से लेके 2021-2022 और 2023 का जनवरी से लेके अक्टूबर तक हो चुका है, ठीक है। जो PDF नहीं लिए हैं जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, 69 का PDF है मात्र, हैंड रिटन नोट से बहुत अच्छा है, ठीक है। 8968765101 पे अपने इस PDF को मंगा लीजिएगा, ठीक है। बुक से ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि बुक में बहुत सा चीज़ देता है आपको, लेकिन यहाँ पे छाँट छाँट के 2021 से लेकर 2023 अक्टूबर तक हो चुका है। हम नवंबर तक देंगे, ठीक है, क्वेश्चन करंट अफेयर, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा तो नवंबर तक पूछ सकता है आपको। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो करना, ठीक। देखिए ये वाला पेज है, ठीक है, इसको पूरा रट्टा मार लेना एकदम। इसे दोस्तों ये बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं थोड़ा, हम क्या बात करते हैं इसमें। देखिए ट्राइब्स का बात हो रहा है दोस्तों, पहली बात याद रखिएगा कि झारखंड में पता ही है कितना ट्राइबल टोटल, 32 है टोटल, ठीक। हालांकि एक अभी 2022 में एक और ऐड हो गया, पता है कि नहीं, टोटल अभी 33 हो गया है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में किस तरह देता है, ठीक है। अभी एक और ऐड हुआ 22 में तो 33 हो गया। ये पुरान नाम, क्या नाम है इसका, पुरान। हालांकि पहले 32वां नंबर क्या था, कोल, क्या नाम था, 32वां नंबर का कोल था, पता है, ये चीज़ तो पता होना चाहिए शायद तैयारी करें कोई। अच्छा 31वां कौन था, 31वां कवर था, 31वां कवर, चलिए कोई बात नहीं। और टोटल जो क्या बोलते हैं आदिम जनजाति, टोटल 8 है, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें हम उन्होंने जाएंगे और देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, आपको PDF में तो मिल जाएगा टॉप का 4 कौन है उसका, सब मिल जाएगा वहाँ पर। टॉप 4 ही देखना है आपको, बाकी बुक से पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 जो मेन ऊपर जैसे कि ये लगा गया, ये जो है ना, ये 4 ही मेन एग्जाम में पूछा जाता है, ये 4ों में से, तो इसमें से सारा बताएंगे, बाकी दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि इंडिया लेवल का, भारत के लेवल सबसे ज़्यादा, देखिए झारखंड में पता चल गया संथाली है, फिर ओरान है, फिर मुंडा है, फिर हो है, टॉप का 4 है। लेकिन इंडिया लेवल में पूछ जाएगा, पिछले बार JPSC 7 to 10 वाला दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन बन गया था यहीं से, यही था कि भारत में सबसे ज़्यादा ट्राइबल संख्या किसका है दोस्तों, ट्राइबल का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, जनजाति सबसे ज़्यादा भील का है, किसका, भील जनजाति सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंड में कौन है, गोंड। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन उठा के 2 सवाल पूछ लिया गया था ये दोनों में से। सोचिए इसमें पूछा था कि संथाल कितने नंबर पे, तो संथाल 3रे नंबर पे आ जाता है, अभी हम बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। संथाल 3रे नंबर पे बता देंगे वहाँ पे, पहला भील याद रखना है, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल में आता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 पॉइंट से पिछले बार 7 to 10 JPSC में 2 क्वेश्चन सवाल पूछ लिया था, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्री वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और दोस्तों इसमें क्या बात करेंगे हम लोग, टोटल जो झारखंड में पॉपुलेशन दोस्तों, ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, 86,45,045 ऐसे करके कुछ है, ठीक है, अप्रोक्स डाटा है, याद रखना आपको, ठीक है। 86,45,000 ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, याद रखना है आपको, 86,45,045, ठीक है। अच्छा अब परसेंटेज में पूछा जाए तो झारखंड में टोटल कितना ट्राइबल पॉपुलेशन, 26.21% है, कितना है, 26.21%, ये डाटा भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा, बेसिक हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा पूरा भारत में देखा जाता है ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, पूरा भारत में कुल जनसंख्या में जनजातीय प्रतिशत कितना दोस्तों, 8.6% है, ठीक है, ये भारत का बात कर रहे हैं। चलिए चलिए हो गया। चलिए दोस्तों अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपको कि चलिए बताइए, बताइए कि पूरे भारत में झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में कितने स्थान पे है पूरे भारत में। तो देखिए दोस्तों हमारा झारखंड जो है पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो, पॉपुलेशन वाइज मतलब जनसंख्या वाइज देखा जाए तो 6ठे स्थान पर है, ठीक है। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 9वें स्थान पर, याद रखिएगा, सचिवालय वाला स्टूडेंट याद रखिएगा खास करके, ठीक है, याद रखिएगा, पूरे भारत में ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में झारखंड 6ठे स्थान पर आता है, ठीक है, झारखंड 6ठे स्थान पर आता है, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 9वें स्थान पर आता है। अच्छा 6ठे स्थान पर आता है तो पहला स्थान पर कौन है दोस्तों, तो पहला में कौन है, MP है, दूसरा में कौन है, महाराष्ट्र है, तीसरा में कौन है, उड़ीसा, चौथा में कौन है दोस्तों, चौथा में राजस्थान, और पाँचवा में कौन है, गुजरात। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना 6ठे नंबर पे आता है, बस पॉपुलेशन वाइज 6ठे स्थान पे और परसेंटेज वाइज 9वें स्थान पे, ठीक है। चलिए
और इसमें से एक और कुछ बात बोलना था, दिमाग में नहीं आ रहा क्या नाम है। हाँ एक और बात बोलना था क्या, अच्छा हाँ, जो झारखंड का जो कुल जनजातीय जनसंख्या है, ठीक है ये क्वेश्चन भी बनेगा आपका, झारखंड का जो कुल जनजातीय जनसंख्या है वो ग्रामीण में कितना रहता है और शहर में कितना रहता है, वो क्वेश्चन पूछा। कितना परसेंट लोग, देखिए 91% लोग कहाँ रहते हैं, ग्रामीण में, ठीक है ग्रामीण में, रूरल एरिया में रहता है 91%, और अर्बन और शहर में कितना रहता है, 9% रहता है अर्बन या शहर में। डाटा याद रखिए, बता रहे पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है 91% गाँव में रहता है मतलब रूरल एरिया, और 9% शहर में मतलब अर्बन एरिया। ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है इतना बेसिक हम बता दिए, बाकी सब तो पढ़ लीजिएगा आप लोग, बाकी कोई दिक्कत वहाँ पे है नहीं। चलिए हम लोग पीडीएफ में देखने वाले हैं आप, ठीक है आपको रिवीजन करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा झारखंड में सब पॉपुलेशन संथाली, पहला में, दूसरा में उरांव, तीसरा में मुंडा, चौथा में हो, पाँचवा में खैरवार ऐसे करके आता है, अब 32वां कोल, और 33वां जो बना है अभी पुरान करके है, ठीक है। तभी चार आपको टॉप याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, देखिए संथाल कितने नंबर, इंडिया लेवल का बात कर लेंगे हम, देखिए इंडिया लेवल का बात कर लेते हैं, संथाल कितने स्थान पर आता है अभी बताएं, तीसरे, पहला कौन था भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल। उरांव कितने स्थान पर आता है पूरे इंडिया लेवल में, उरांव की जनसंख्या कितना है, छठे स्थान पर आता है, ठीक है ठीक है। मुंडा कितना है, आठवें स्थान पर आता है, ये भी याद रखना है, और हो कितना, 18वें स्थान पर, याद कर ली दोनों, ठीक है। झारखंड तो सभी याद होता है, क्वेश्चन दे देगा झारखंड तो सभी, पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो, सभी को याद होता है, लेकिन इंडिया लेवल में पूछ देगा संथाली पॉपुलेशन कितना, तीसरे नंबर पर आता है, उरांव के मामले में छठे स्थान पर आता है, मुंडा 8वें स्थान पर, और हो 18वें स्थान पर आता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। परसेंटेज पूछ देगा दोस्तों, ये अप्रोक्स लिखे, ठीक है, जैसे संथाल का 32 है, 31 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आपको अप्रोक्स याद करने के लिए है, क्योंकि पॉइंट में याद नहीं रहता, तो इसका 32 हो गया, 32% पूरा झारखंड में पॉपुलेशन संथाल का, 19 पॉइंट समथिंग मतलब 20% बोला जाए उरांव का है, 5% कम कर दीजिए, 15%, ये 15% है, ठीक है, और हो का 10% है, तो परसेंटेज याद रखिएगा, सीजल वाला स्टूडेंट बता रहे हैं, परसेंटेज पूछ सकता हूँ वहाँ पे। चलिए भाषा क्या, संथाली, इसका कुरुक है औरांव का, मुंडा का मुंडारी है, और इसका हो है, भाषा भी पूछता है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिपि लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओल चिकी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ओल चिकी, ठीक है, संथाल का, और उरांव जनजाति का तोलोंग सिक्की, ठीक है, उरांव जनजाति जो तोलोंग सिक्की है दोस्तों, ठीक है, लिपि है ये, लिपि को बंगाल में 2018 में इसको ऑफिशियल मतलब सेकेंड भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया इसको, हालांकि संथाल बंगाल उड़ीसा और झारखंड तीनों जगह ये दूसरे भाषा के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है। चलिए तो तोलोंग सिक्की याद रखना, ठीक है। अब मुंडा होता है, नाम से होता है, कोई दिक्कत नहीं, और बारा चिती हो जाएगा ये हो का, तो तीनों याद रखिए, ओल चिकी संथाल का, तोलोंग सिक्की औरांव का, और बारा चिती हो का है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए आज ही, ठीक है। अब इस कारक का नाम पूछ देगा रघुनाथ मुर्मू, कई बार क्वेश्चन ये बन चुका है, हालांकि ये सब नहीं बना, नारायण याद रखना उरांव का, और रोहिदास याद रखना मुंडा का, और लाखो बोदरा ये भी क्वेश्चन बना हुआ है हो का, ठीक है। रघुनाथ मुर्मू आविष्कारक संथाल का है, ठीक है, और नारायण है उरांव का है, नारायण पूरा नाम है, नारायण और भी नाम है इसमें, खाली बस नारायण शॉर्ट नाम लिख दिए। रोहिदास बोलेगा तो मुंडा, रोहिदास मुंडा, और लाखो बोदरा बोलेगा तो हो, ये चारों नाम याद रखना। देवता देखिए, सिंह संथाल का देवता क्या है, सिंह बोंगा, ठीक है, और सर देखिए संथाल पूछ ले, मुंडा पूछ ले, या फिर हो, सिंह बोंगा है, फिर धर्मे से याद रखना है ये किसका है, उरांव जनजाति का देवता है। अच्छा युवागिरी भी पूछता है, ठीक है, संथाल को घोटुल बोलते हैं, और उरांव को धुमकुरिया बोलते हैं, और मुंडा का गित्ती ओड़ा, और हो का गित्ती ओड़ा, ठीक है। देखिए इसे उल्टा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उल्टा कर दिया, ठीक है, ये धार्मिक वाला है ना, ये बॉक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ बता दिए, ये बॉक्स ये वाला है, और ग्राम प्रधान का बॉक्स ये थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे। चलिए धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, संथाल में नायके बोलते हैं, धार्मिक प्रधान क्या बोलते हैं, उरांव में पहान बोलते हैं, और मुंडा में पहान देवरी, ये को याद रखिएगा देवरी, ये कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मुंडा में हो में धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, हो में देवरी बोलते हैं। उसी तरह ग्राम प्रधान देखिए इधर है, ग्राम प्रधान क्या बोलते हैं, मांझी संथाल में, ग्राम प्रधान उरांव में महतो, ग्राम प्रधान मुंडा में मुंडा, और इसका हो का हो, मुंडा और हो, मुंडा हो और मुंडा के दोनों ग्राम प्रधान है, ठीक है। धार्मिक प्रधान पूछ देगा हो का तो देवरी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह बौद्ध मूल बोला जाता है, बौद्ध मूल पोन बोलते हैं संथाल में, डाली टक्का बोलते हैं उरांव में, गोनोंग बोलते हैं मुंडा में, और गोनोंग या फिर पोन बोलते हैं हो में, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों, बता रहे हैं आपको, वाकई बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको रट्टा मार लेना है, इसको लिख लीजिएगा या फिर दीवार में चिपका लीजिएगा एग्जाम टाइम, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। ये लग पीडीएफ, और जो बेसिक बताएं वो दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है ये सब, ठीक है। इसे जल्दी दिमाग में रहता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अधिक शिक्षक सचिवालय में क्वेश्चन घुमाना रहे दोस्तों, तो देखो सबको पता है कि संथाल का पहला नंबर है, उरांव दूसरे नंबर, मुंडा तीसरे, चौथा, अधिक घुमाना रहा तो पूछ देगा इंडिया लेवल में, ठीक है। भारत पूरे भारत भर में मुंडा की पॉपुलेशन के कितने नंबर में झारखंड का आता है,
मुंडा मुंडा कितने नंबर में आता है? 8वें नंबर में आता है, ठीक है। अरे संथाली में 3रे नंबर में आता है, उराव में छठ कैसे याद रखें, 3 दुनी 6 हो गया, मुंडा का 8 और ये 18 तो ऐसे याद कर लीजिएगा भाई, परसेंटेज देख लीजिएगा कैसे याद करना है, ठीक है। ये काम का इसलिए बना दी वीडियो, इसको जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करें दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।